हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइम्स के बारे में। देखिए राइम्स क्या है, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया। देखिए ये जो है एक इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिलेटेड है अर्ली वार्निंग सिस्टम से। मतलब अर्ली वार्निंग किस पे दिया जाता है, अर्ली वार्निंग दिया जाता है कोई भी हैजार्ड है, मतलब मान लीजिए कि सुनामी आ रही है या मान लीजिए ड्रॉट लाइक सिचुएशन है या कोई एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो अर्ली वार्निंग के थ्रू जो है जो इम्पैक्ट है उस डिज़ास्टर का वो रिड्यूस किया जाएगा। सो ये एक इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल एक इंस्टीट्यूशन है जो कि रिलेटेड है अर्ली वार्निंग सिस्टम से। सो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अगर यूपीएससी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, माय आईडी इज़ सौरभ पांडे 009। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस अवेलेबल हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी हो गया, नबार्ड एग्जाम हो गया, स्टेट पीएससी कोर्सेस हो गए, यूजीसी नेट कोर्सेस हो गए, यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेस हो गए। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर studyiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। देखिए अगर हम डिज़ास्टर की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के डिज़ास्टर होते हैं। मान लीजिए अर्थक्वेक है, फ्लड है या सुनामी है, ये ऐसे डिज़ास्टर हैं। अगर आपके पास प्री वार्निंग सिस्टम है तो प्री वार्निंग सिस्टम की वजह से क्या हो सकता है, एक तो जो लॉस ऑफ लाइफ एंड जो प्रॉपर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, साथ में जो लोग हैं उनको भी एक सफिशियंट टाइम मिल सकता है जिससे कि जो अपनी वो लाइफ है उसको भी बचा सकते हैं, साथ में रिलीफ रिहैबिलिटेशन के लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाता है, और जो ये रिस्क है या जो इम्पैक्ट है डिज़ास्टर का उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहले तो जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोशिश किया या प्रयास किया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है अपने इंडिविजुअली जो है डेवलप किया जाए, लेकिन इंडिविजुअली जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे ये है इंडियन ओशन रीजन और ये है पैसिफिक ओशन रीजन, और यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आता है, सो अगर यहाँ अर्थक्वेक आता है और उसका जो स्केल है काफ़ी हाई है, मान लीजिए 9 या 10 है, सो इस सिचुएशन में क्या है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो है सुनामी जनरेट हो और ये पूरे रीजन को जो है वो अफेक्ट करे। सो अगर यहाँ पे कोई एक सिस्टम है और इन कंट्रीज़ के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो क्या होगा कि जैसे ही अर्थक्वेक यहाँ पे आया तो सुनामी की जो वार्निंग है वो सारी जगहों पे चली जाएगी, तो जो और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सुनामी आ सकती है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, जैसे लोग हैं उनको वहाँ से जल्दी से हटाने की कोशिश करेंगे। सो इससे क्या है, लाइफ प्रॉपर्टी जो है इनकी जो लॉस है उसको रिड्यूस किया जाएगा क्योंकि लोगों के पास सफिशियंट टाइम होगा। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लिया जाए, है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड। सो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो राइम्स है इसको बनाया गया है, जो कि अगेन ये एक इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल जो है इंस्टीट्यूशन है। देखिए अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं तो लगभग 58.6% जो ये जो लैंड मास है इंडिया का वो प्रोन है अर्थक्वेक के। वहीं अगर हम बात करें तो लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है, मतलब लगभग जो 12% जो इंडिया का लैंड मास है वो प्रोन है फ्लड से, मतलब वहाँ फ्लड कॉज हो सकता है। सिमिलरली अगर आप देखें तो जो 7500 के आसपास जो हमारी कोस्ट लाइन है उसमें से लगभग 5700 जो कोस्ट लाइन है, 5700 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है वो प्रोन है साइक्लोन्स और सुनामी से। इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए सुनामी है या अर्थक्वेक है या फ्लड है तो इससे जो इंडिया की अगर बात करें तो ये काफ़ी बड़े एरिया में ये जो हैजार्ड हैं या डिज़ास्टर हैं कॉज हो सकते हैं। सो अगर हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा और वो वेल कोऑर्डिनेटेड होगा दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनसे, सो जो इम्पैक्ट है डिज़ास्टर का उसको काफ़ी रिड्यूस किया जा सकता है। देखिए राइम्स जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, मतलब मान लीजिए अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करेगी, जो वेदर एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जो सीजनल क्लाइमेट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, वाटर रिलेटेड हैजार्ड्स हैं फ्लड या ड्रॉट जैसी कोई सिचुएशन तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये जो ये राइम्स है ये प्रोवाइड करेगी। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है अगर कंट्रीज़ को मिलती हैं तो कंट्रीज़ भी जो अपनी
प्रॉपर प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग कर सकती है, डिजास्टर से रिलेटेड प्लानिंग कर सकती है, ये प्लान कर सकती है कि मान लीजिए कहीं अर्थक्वेक या सुनामी की पॉसिबिलिटी है या एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन की पॉसिबिलिटी है, तो एक फंड बनाया जा सकता है, रिजर्व फंड बनाया जा सकता है और फिर उसको यूटिलाइज किया जा सकता है उस कंट्री के द्वारा, अगर पहले से उसके पास इन्फॉर्मेशन की ऐसी कोई सिचुएशन है। और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो प्रिपेयर्ड नहीं होगी वो कंट्री, और एकदम से अगर कोई डिजास्टर आ जाएगा तो फिर वो कंट्री भी क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं है तो जो भी रिलीफ रिहैबिलिटेशन वर्क है वो ढंग से नहीं कर पाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है ये जो इन्फॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड वो प्रोवाइड की जाए, जो कि प्रोवाइड भी की जाती है राइम्स के द्वारा। तो अगर हम देखें रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया राइम्स जिसे हम कह रहे हैं, तो ये अगेन जैसे हमने डिस्कस किया ये एक इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है। ये ओन्ड और मैनेज्ड जो होती है बाय इट्स मेंबर स्टेट, मतलब जो इसके मेंबर्स हैं उन्हीं के द्वारा ये ओन्ड और मैनेज्ड की जाती है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 30 अप्रैल 2009, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। और ये भी ध्यान रखना है कि ये रजिस्टर्ड है विथ यूनाइटेड नेशन, और कब ये रजिस्टर्ड हुई 1 जुलाई 2009 में। और इसका जो अगर देखें सेंटर कहाँ लोकेटेड है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पैथुम थानी थाईलैंड, तो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए जो 2004 की जो सुनामी आई थी और इससे काफ़ी ज़्यादा लाइफ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, और उसके बाद से ये चीज़ सामने आई कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम और एक कोऑर्डिनेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाए, और तभी जो है ये जो राइम्स जैसे इंस्टीट्यूट की जो एक डेवलपमेंट की बात स्टार्ट हो गई। देखिए राइम्स बेसिकली फ्रेमवर्क भी जो है डेवलप करती है फॉर द जनरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन है रिलेटिंग टू डिफरेंट डिजास्टर जो है उसको किस तरीके से मेंबर स्टेट्स तक पहुंचाया जाए, तो वो भी एक फ्रेमवर्क जो है राइम्स के थ्रू तैयार किया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात चलती है कि देखिए जो भी जैसे मान लीजिए क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं जो राइम्स में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो भी कंटिन्यूसली जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, साथ में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है अलग अलग कंट्रीज़ में अगर उन्हें कोई एक्सपर्टीज ज़रूरत है रिलेटिंग टू डिज़ास्टर तो वो भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। सो जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है मेंबर स्टेट्स की, तो इससे क्या होता है कि वो बेटर रिस्पॉन्स कर पाते हैं अलग अलग जो भी डिज़ास्टर होते हैं। सो अलग अलग डिज़ास्टर से रिलेटेड किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो उसमें भी ये वर्क करते हैं, उसमें भी रिसर्च करते हैं, और फिर जो मेंबर स्टेट्स हैं उनसे ये चीज़ शेयर भी की जाती है। देखिए इसमें लगभग 12 मेंबर स्टेट्स हैं, बांग्लादेश, कंबोडिया, कोमोरस, इंडिया, लायोस, मालदीव्स, मंगोलिया, पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सिचिली, श्रीलंका एंड ईस्ट तिमोर। ये जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके नाम आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर स्टेट्स ऑफ राइम। देखिए जो राइम्स है ये अर्ली वार्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिससे कि जो प्रिपेडनेस है, रिस्पॉन्स है, मिटिगेशन है नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड उसको और इन्हेंस किया जाए, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है डिपेंडिंग अपॉन जो मेंबर स्टेट्स की नीड्स और डिमांड्स होती हैं। सो इसी के लिए कई सारे स्टेशंस भी सेट किए गए हैं, जैसे सिस्मिक स्टेशन है या जैसे सी लेवल टेम्परेचर को चेक करना है तो उससे रिलेटेड कई जो स्टेशंस है उनको बनाया गया है। तो जैसे सिस्मिक स्टेशंस ही हैं तो अलग अलग सिस्मिक स्टेशंस अलग अलग कंट्रीज में जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोन ला वियतनाम में, सोन ला जगह है वियतनाम में, वहाँ पे एक सिस्मिक स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है। दलात जो है DALAT जो है वहाँ जो वियतनाम में लोकेटेड है वहाँ पे सिस्मिक स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है। सेंटा इलोकोस फिलीपींस में एक सिस्मिक स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है। सितवे जो कि अगेन म्यांमार में लोकेटेड है वहाँ भी जो है सिस्मिक स्टेशन लोकेटेड है। अब ये जो सिस्मिक स्टेशन है ये स्टडी करते हैं जैसे कई सारी जो वेव्स जो जनरेट होती हैं जब अर्थक्वेक आना होता है, जैसे पी और एस वेव्स जो अलग अलग वेव्स होती हैं उनको ये स्टेशंस जो है ऑब्जर्व करेंगे और फिर जो डेटा है उससे रिलेटेड उनको शेयर किया जाएगा जो मेंबर स्टेट है। दूसरे कई सारे सी लेवल ऑब्जर्वेशन स्टेशंस भी सेट किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखें कोह एक जगह है थाईलैंड में, दूसरा जैसे मान लीजिए सुबिक एक जगह है फिलीपींस में, वहाँ पे स्टेशन या सी लेवल ऑब्जर्वेशन स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है। लुबांग एक जगह है फिलीपींस में, वहाँ भी जो है एक सी लेवल ऑब्जर्वेशन स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है। ये जो सी लेवल ऑब्जर्वेशन स्टेशंस होते हैं ये ऑब्जर्व करते हैं जो जैसे मान लीजिए टेम्परेचर में अगर कोई चेंज है, सैलिनिटी, प्रेशर, अगर ऐसा कुछ चेंजेस आ रहे हैं सी लेवल में ये जिस एरिया में, तो उस चीज़ को ये ऑब्जर्व करते हैं स्टेशन, और जो
डेटा है उसको शेयर किया जाता है मेंबर स्टेट से। जो राइम्स है वो सुनामी फॉरकास्ट भी करती है, बुलेटिन जारी करती है कि देखिए इस एरिया में सुनामी की पॉसिबिलिटी है नहीं है, जो प्री कंप्यूटेड सुनामी डेटाबेस है उसको जनरेट करती है, वेब पोर्टल एक बना रखा है फॉर द ऑपरेशन की कैसे कैसे क्या ऑपरेशंस लेने चाहिए उसे रिलेटेड पूरा वेब पोर्टल है, अराइवल टाइम कि मान लीजिए कि अर्थक्वेक है और क्या अराइवल टाइम होगा सुनामी का, सो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है तो वो भी फॉरकास्ट किया जाता है, एक डायरेक्टिविटी मैप्स, कोस्टल इम्पैक्ट्स क्या होंगे या सुनामी थ्रेट्स, इससे रिलेटेड जो भी डेटा है उन सारे डेटास को शेयर किया जाता है मेंबर स्टेट्स के साथ। साथ में जो जैसे मान लीजिए सी लेवल प्रेशर है इनको भी स्टडी किया जाता है, क्योंकि कई सारे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है अगर हमने स्टडी किया कि इस समय टेम्परेचर इस एरिया में कितना है, प्रेशर कितना है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पॉसिबिलिटी है किसी साइक्लोन के फॉर्मेशन की, अगर साइक्लोन कोई इंटेंस साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम जो एरिया है वहाँ पे जैसे नियर बाय जो भी कंट्री है उनको अलर्ट कर देंगे कि देखिए यहाँ एक साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है और पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया में ये लैंडफॉल करे, तो जो कंट्री ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी। तो ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है राइम्स के द्वारा जो है रन किया जा रहा है और जो ये सारे डेटास जो शेयर किए जा रहे हैं मेंबर स्टेट्स के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है उन कंट्रीज के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री में ही मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, अब जो राइम्स है वो इन डिपार्टमेंट्स से जो कि मेंबर स्टेट्स में लोकेटेड है इनसे भी एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखती है और जो है प्रोवाइड भी करती है जो लोकलाइज्ड हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल रिस्क इन्फॉर्मेशन है, मतलब वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन, क्लाइमेट चेंज या फिर जो सीजनल क्लाइमेट है इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको भी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनसे शेयर किया जाता है। और ये जो शेयर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो विद इन जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उसके विद इन ही ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो राइम्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी फोकस करती है, फॉर एग्जांपल कई सारे जो साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है तो उसकी प्रॉपर इंटेंसिटी की कितनी इंटेंसिटी है, कितना लैंडफॉल है उसकी प्रॉपर स्टडी होती है, रेनफॉल के ऊपर क्या विंड्स की डायरेक्शन वेलोसिटी है उसके ऊपर जो है प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, R&D किया जाता है, जो फ्लैश फ्लड है फ्लड से रिलेटेड जो है अगर मान लीजिए कहीं फ्लैश फ्लड आया है तो उससे रिलेटेड भी जो है प्रॉपर R&D की जाती है। सो इससे क्या है कि एक अप्रोच डेवलप होता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसा सेम इवेंट अगर होता है तो किस तरीके का रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो ये चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं, कंट्रीज़ जो है वो भी प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगी क्योंकि उनको भी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि देखिए इस टाइम पे ये साइक्लोन यहाँ पे फॉर्म हुआ था या यहाँ पे जो फ्लैश फ्लड की सिचुएशन थी तो आपने ये स्टेप्स लिए थे और ये सारे कुछ लैकुनास थे, तो फ्यूचर में अगर सेम इवेंट रिपीट होता है तो वो लैकुनास जो है उसको रिमूव किया जा सकता है और प्रॉपर स्टेप्स लिया जा सकता है जिससे उस डिज़ास्टर का इम्पैक्ट रिड्यूस किया जा सके। साथ में राइम्स जो है जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ डेली जो वेदर इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाता है, जो भी मेंबर जैसे बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, कोमोरस ये जो मेंबर स्टेट्स हैं इनके साथ जो है डेली वेदर इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है राइम्स के द्वारा। सो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो राइम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है अर्ली वार्निंग, मतलब जो डेटा रिलेटेड है डिफरेंट जो भी डिजास्टर है या हजार्ड है उससे रिलेटेड जो डेटा है उसको प्रोवाइड करता है मेंबर स्टेट से, जो लोकल डिपार्टमेंट्स हाइड्रोलॉजिकल या मेट्रोलॉजिकल उनसे भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखता है, साथ में रिसर्च डेवलपमेंट भी ये कर रहा है, जो भी ये डिजास्टर हजार्ड हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी R&D करने की ज़रूरत है वो भी ये किया जा रहा है राइम्स के द्वारा। सो आज के टाइम पे जब हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज एक इनएविटेबल रियलिटी हो गई है और उस वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर है, मतलब कि ड्रॉट जो है या फ्लड है या साइक्लोन का फॉर्मेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इससे कई बार जो है काफ़ी ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो रहा है, सो ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस है राइम्स की तरह जो ये इंस्टीट्यूशंस है ये आज के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंस भी गेन कर रहे हैं, क्योंकि अगर अर्ली वार्निंग दी जा रही है तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है किसी भी डिजास्टर के इम्पैक्ट को। जो अर्ली वार्निंग होती है वो एक सफिशियंट टाइम प्रोवाइड कर देती है किसी भी कंट्री को या उसके एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों को, जिससे कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके और डिजास्टर जो है उनको इतना ज़्यादा अफेक्ट ना कर सके। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने राइम्स के बारे में जाना, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।